संबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक प्रतिवाद दिवस प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें देख सकते हैं संबलपुर के सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, शरद पटनायक ये भी आ चुके हैं, अश्विनी गुरु, निरंजन पटनायक और कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और हर कोई चाहते हैं कि आज जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से यह कार्यक्रम हो रहा है बहुत सक्सेसफुल, और हम लोग जिला पाल कार्यालय और सामने शरद पटनायक जी हैं। सर आज जो सर बहुत ही बड़ा एक विक्षोभ किया जा रहा है और कांग्रेस के हर नेता आ चुके हैं, सीनियर से लेकर जूनियर तक सर, और शरद पटनायक जी ये खुद हमारे सामने में है। आज सर इसका कारण क्या सर? ये जो किसान विरोधी बिल पास किए हैं उसको उजागर करने के लिए बोला जा रहा है। जी सर, कांग्रेस का ये डिमांड है कि ये बिल को तुरंत जितना जल्दी हो सकेगा ये आइन में मत लगाइए। छोटा छोटा किसान कहाँ जाएंगे? जो भागीदारी किसान होते हैं जहाँ दोनों मालिक और लेबर मिल के काम करते हैं वो किसान के बारे में कभी सोचे हैं? इन लोग 60% से ज़्यादा हैं, जिसका 10 बुरा धान पिता है क्या बॉम्बे में जाके बेचेगा? अभी जैसे गवर्नमेंट का था कितना धान लेके गया, कितना गेहूँ लेके गया, तो एक लिस्ट होता था मंडी में, आपका नाम रहेगा, इतना धान है बोले बोलेंगे इन लोग, इतना क्विंटल है। अभी तो कोई लिस्ट नहीं है, कल प्राइवेट पार्टी आएगा तो लेके चला जाएगा, आप किसको कंप्लेन करेंगे? किसको बोल भी नहीं सकते हैं, पैसा दिया है कि नहीं, रूप भी नहीं है कुछ। तो ये सारा चीज़ जो है, छोटे छोटे किसान जो है, इन लोग का हालत खराब हो जाएगा। ये आस्ते आस्ते इलेक्शन तक तो ऐसे ऐसे करके खींचेंगे, अच्छा रेट दे देंगे। इलेक्शन के बाद जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये जैसे रिलायंस जैसे किया है और बड़े बड़े पति जो हैं, अकेले क्या करेंगे, चारों तरफ दुकान खोल देंगे और सारे के सारे धान लेकर रख देंगे। बाद में बोले मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा, तो आज जो दूसरे हालत में इंडिया का बाहर जो कंट्री में क्या क्या हालत है, आटा किलो 200 रुपया हो गया बाहर इंडिया के बाहर में। जैसे आस्ते आस्ते करके ऐसे डोमिनेट करके इन लोग रखेंगे, धनी लोगों के पास रह जाएगा, सारा कब्जा में रह जाएंगे, किसान लोग किसी को बोल नहीं पाएंगे, आम आदमी पूरा हैरान परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमारे कांग्रेस का डिमांड है कि इसको बिल में मत लगाओ, गरीब किसान के लिए सोचो, मोदी सरकार जरा जागो। धन्यवाद। अभी हमने शरद पटनायक जी से सुना, वो किसान के बारे कहते हैं और उसके लिए जो भी आज बहुत ही बड़ी सभा हो रही है, आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। अभी हम लोग आ रहे हैं, आइए अश्विनी गुरु, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। अच्छा, अब देख रहे हैं धीरे धीरे हर कांग्रेसी नेता यहाँ पर आ चुके हैं, और आने के बाद में धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर इसमें देखिए आप बैनर जो है यहाँ लिखा गया, कई प्रकार के बैनर लगा रखे हैं और हर बैनर में उन्होंने लिखा गया केंद्र बीजेपी राज्य का बीजेडी चाची जो किसान लोगों को किस तरह बीज से मार रही है उसके बारे बताया जा रहा है। ये जो कांग्रेस के महारैली है इसे अधिकतर किसान लोग आ चुके हैं, हर चाची और चाचियों का एक ही कहना है कि आज जो हमारे पर क्या है आज दादा ठीक कोई दो मिनट और सर ये आ रहे अभी आज हमारे सामने में अश्विनी गुरु लड़ुआ नेताजी ने जा रखा है, कांग्रेस को जगा के रखे हैं, कांग्रेस को बचाया है उन्होंने। तो सर आज जो सर बहुत बड़ा विक्षोभ प्रदर्शन किया जा रहा है किसान का सपोर्ट में, तो सर इसके बारे में बताइए। अपन कौन है बहुत लेट है। हाँ सर, आज अश्विनी गुरु जी सर आज जो विक्षोभ है उसके कारण बताएंगे। आज संबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी तरफ रु एक विक्षोभ आयोजन करा जाएगी। ये विक्षोभ रो मुख्य उद्देश्य होला केंद्र सरकार चाषी मानकर स्वार्थ विरुद्ध रे जो कड़ा आईन प्रणयन कराकि संपूर्ण भाव में चाषीकूल को ध्वंस करदेव, तांकर आर्थिक अवस्था को जोहेलाई देव, तांकर आर्थिक मेरुदंड को भांगी देव एवं से माने आर्थिक शोषण शिकार हेबे, अन्य पक्षरे पूंजीपति माने एथरो लाभवान हो पारे एवं पूंजीपति मानंकु सुजोग दियाजिव चाषी मानंकु शोषण करिबा पई। ए आईन एक कड़ा आईन, ए आईन रो प्रतिवाद रे सारा भारतवर्षरे चाषी माने उद्वेग प्रकाश करिसंती, आंदोलन करिसंती, विभिन्न चाषी संगठन पक्षर मध्य आंदोलन करा जाउची एवं कांग्रेस दल मध्य पक्ष आंदोलन करा जाउची। आज संबलपुर जिला कांग्रेस कमिटी तरफ
चाषी मान स्वार्थ रक्षा करने कला आईन प्रत्याहर करने ए दाबी रे आज संबलपुर जिला कांग्रेस कमिटी तरफ ए प्रकार विक्षोभर आयोजन करा जाई। थैंक यू सर। आज हमने देखा यहाँ पर महिला कांग्रेस यूथ कांग्रेस आज जो हमें विक्षोभ प्रदर्शन करने सहित ए उद्देश्य रे माननीय राष्ट्रपति को दृष्टि आकर्षण करने एक स्मारक पत्र संबलपुर जिलापाल माध्यम रे जरिया रे प्रदान करा जिवो संबलपुर जिला कांग्रेस कमिटी तरफ एवं ए दिगरे माननीय महामहिम राष्ट्रपति ए दिगरे उचित पदक्षेप ग्रहण करिवे बोली हम दावी अटे एवं अनुरोध। थैंक यू। आज हमने अश्विनी गुरु से बातें सुनी, इसे महिला कांग्रेस यूथ कांग्रेस और चाषी लोगन किसान लोगन भी सारे के सारे आके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आइए देखते हैं और हर कोई यहाँ पर मौजूद है कि मोदी सरकार हमारी बात मान लो नहीं तो आगे और भी जो आप बड़े लोगों के लिए करें कम से कम किसानों के लिए कीजिए। पहले भी प्रधानमंत्रियों ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन आज तक जय जवान नहीं हो रहे कि जय किसान नहीं हो रहे, किसानों को पूरा जय जय कर दे रहे हैं पूरा, वो बेचारे बर्बाद क्योंकि उनका धान का कोई मूल्यवान नहीं। बड़े लोगों की सपोर्ट गरीबों के विरोध में किया जा रहा है। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।